जनपद के गांव हसनपुर निवासी महिपाल सिंह मलिक को 11 गांव के ग्रामीणों द्वारा आपसी सहमति से गठवाला खाप के थामबेदार की पगड़ी पहनाई गई। इस मामले को गठवाला खाप के राष्ट्रीय चौधरी बाबा बलजीत सिंह के सम्मुख रखे जाने के बाद अनुमति प्रदान की गई थी। चौधरी महिपाल सिंह का दावा है कि उनके पूर्वज चार पीढ़ी पहले 11 गांव के चौधरी रह चुके हैं। गठवाला खाप में दो थामबेदार हो जाने से विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है, जिसको देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया था। आपको बता दें, रविवार को गांव हसनपुर में एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें 11 गांव सल्फा, मतनावली, किवान, मखमुलपुर, सुन्ना, बुटराड़ी, काबड़ौत, खिजरपुर, हसनपुर और लिसाड़ आदि के ग्रामीणों ने भाग लिया। इस दौरान सर्वसम्मति से महिपाल सिंह मलिक को 11 गांव के गठवाला खाप के थामबेदार चुना गया। ग्रामीणों ने उनको पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। बाबा महिपाल सिंह मलिक ने बताया कि चार पीढ़ी पहले उनके बाबा रामसा मलिक 11 गांव के चौधरी रहे हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में पगड़ी नहीं पहनाई गई थी, क्योंकि 1986 के बाद ही पगड़ी का प्रचलन शुरू हुआ। उनके द्वारा करीब 3 महीने पहले भी 11 गांव की एक पंचायत आयोजित की गई थी और थामबेदार के बारे में अवगत कराया गया था। सभी की सहमति मिलने के बाद उन्होंने गठवाला खाप के राष्ट्रीय चौधरी बाबा बलजीत सिंह से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था यदि 11 गांव के ग्रामीण सहमत हैं तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। गठवाला खाप में दो थामबेदार हो जाने से विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है, जिसको देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। मैं जितनी प्रयास जितना भी हर तरह का प्रयास होगा, मैं पूरे थामे को लेकर अपने साथ आगे बढ़ूंगा। परिवार के तो ऐसा है कि देखिए, हर बच्चे हमारे चार बच्चे, वो एक बच्चा नाराज हो जाए तो उसमें तो हर आदमी वो मतलब जो है, पर उन्हें प्रयास किया जाएगा पूरा मतलब पूरा गांव 11 बता। मैं तो कह रहा हूँ 11 मैं सबसे बड़ा आज परिवार में मैं हूँ, बताई थी। मैं तो उन्हें भी देने तैयार था कि मेरी माँ से पगड़ी की सहमति है, एक तो बाबा हमारे जो है उनसे सहमति है बगीचे। ऐसा है, यहाँ पे कोई थम्बेदार नहीं है। अगर वो थम्बेदार था तो हमारे परिवार से ही था पहले, लेकिन उनके बाद में ये थम्बा भी हमारे भी है और खाप की तो है, लेकिन थम्बा भी है। हसनपुर में कोई थम्बे की पगड़ी नहीं थी और ना है। हसनपुर के तो हमारे बाबा जी जो थे बलदेव सिंह, उनके सेक्रेटरी थे हसनपुर के, उनके बाद सेक्रेटरी भी कोई नहीं है। आज अगर ये पगड़ी रस्म करी गई, इस तरह के लोग जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे, जैसे आतंकवादियों के का हिसाब किताब है, इस तरीके से इन लोगों का हिसाब किताब है, ये भी एक आतंकवाद फैलाना चाह रहे, समाज को तोड़ने का काम चाह रहे। अगर ये बाहर पगड़ी मैदान में बांधी जाती, अगर पगड़ी थी तो बांध के देखते समाज को कितनी हानि होती, उन्हें पता लगता है भाई जो है पगड़ी बांधी। ये दादा बलजीत सिंह का भी फोन आया था मेरे पास, उनकी कोई सहमति नहीं है किसी भी किस्म की, ना वे स्वीकार करते इस चीज को, उन्हें भी पता है। उन्होंने जो एन से वो मांगा था अपना बायोडेटा तो, लेकिन इनके पास कुछ है नहीं। 300 साल पुराना किस्सा बता रहे, 300 साल पुराना किस्सा, कोई आदमी है नहीं ऐसा जो है कहीं से देते। ये कोई पगड़ी नहीं, ये तो एक सिर्फ ड्रामा करेगा समाज को तोड़ने का, ये कोई पगड़ी नहीं है, इसकी कोई मान्यता नहीं। अभी जल्दी जो है मतलब हमारे निशान जो थम्बा है 11 गांव है, उनकी पंचायत बहुत जल्दी होगी, आज मैं बातचीत करके जल्दी तारीख टेक दे। गठवाला खाप के लिसाड़ थम्बेदार की पगड़ी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हसनपुर निवासी महिपाल सिंह को पगड़ी बांधी गई है, जबकि गठवाला खाप चौधरी राजेंद्र सिंह मलिक लिसाड़ खाप के थम्बेदार भी हैं। अब असमंजस पैदा हो गया है कि आखिर खाप के लोग किसे थम्बेदार माने। इस मामले में दो ऑडियो भी वायरल हो रही है, आप भी सुने। जी वाले नहीं करूँगा पंचायत पूरे थम्बे की मैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, घर लो पिटेंगे तेरा सूर सा। ना, 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 गलत फहमी है यार, गलत फहमी है, तेरा सूर सा पिटेंगे, गलत फहमी है। हाँ बता दिया तुझे, गलत फहमी है, बताऊंगा तुझे, गलत फहमी काट दूंगा तुझे। हाँ हाँ गलत फहमी है तो ठीक है, ठीक है, मैं सब रिकॉर्ड लग रहा है, चिंता ना करें। ठीक है ठीक है, एक पगड़ी और कर तैयार तू, आइए कर कर, ठीक है जी। जी हम कोड़े बंधन वाले प्रधान बोलिया, निशाद तरी से प्रधान बोलिया भाई। जी जी बताओ जी बाबा जी, मगर बहुत पगड़ी बांध रहे, हम कोड़े बंधन वाले जी।
हम कौन है बांधन वाले? अरे बांधने में कभी छोटे तमाशन पर नहीं बांधे आज पगड़ी। ग्यारह गांव आए थे। कौन सा है वो ग्यारह गांव में? कौन कौन आदमी थे? ग्यारह गांव के आदमी थे वहाँ। अरे कौन से ग्यारह आदमी? ग्यारह गांव कौन से है? गांव तक वहाँ कौन से थे? सारे थे, मतलब सारे कौन से थे? पंचायत करी थी तुमने, कौन सा करे था वो ग्यारह आदमी? हमने कौन करते? वो तो जिसका पगड़ी बंधी उन्होंने करा। किन्ने पगड़ी किन्ने करा वो? जिनका पगड़ी बंधी। किसका बंधी पगड़ी? महिपाल का। महिपाल का? महिपाल ने करे बटले। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब इसका थोड़ा काम में तू नेता बनना चाहना अच्छा। है भाई, चलो बताते रहो आप। तू बोल आगे। नहीं तुम बताते रहो, मैं सुन लूंगा। क्या बोलना? क्या बोलू? मैं तो बता दिया, तो ग्यारह गांव आए थे, ग्यारह गांव हम भी बुलाए थे, हम भी चले गए। तेरा काम रिकॉर्ड तो ले गए, तो हेरी होगी सर। मेरा काम थोड़ा ही था, यूज का काम था। नहीं कौन है देख ली हूं अब तुम ये कौन है? मैंने कह रहा यू मेरा काम नहीं था, तो हसन परवाड़ू का काम था जिन्होंने पगड़ी बंधवाई। तो बंधन वाला होगा तू काम पास हो बंधन वाले तो चौधरी ने बनी तो वो अलग विषय है। वो तो विषय को सही हो जो ये सदा तू करता रहो, जो हमें करना है हम करेंगे। तो कर लियो फिर, मैं रोक रहा हूँ तुम्हें। बस बस ठीक है भाई, करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं रोक रहा हूँ, मैं नहीं चलता रहो अपने लेन पर। चल बता कहीं पर रोक रहा है ना? तू चलना लेन पर है, लेन पर चल। तू लाइन पर चल तो रहे, कुकर चले ऑनलाइन पर, तुम बता दो नहीं चल लाइन पर। तू दो खापा इसमें, दो खापों में तुझे दो पंचायत बना इस खाप की। हम नहीं बनाते इस खाप की। उनसे बात करो, हसनपुर वाले से, मेरे से बात मत करो। हसनपुर वाले से नहीं, तू नहीं करो आगा लगाइए जितना तेरे माल ला खूब समाज के। हमें क्या जरूरत है आगा लगाने की? जिसे जरूरत है वो लगाओ। आगा लगा जितना तेरे माल खूब कांट लो, खोट का आगा लगाइए। कहीं का आगा लगवा मेरे पे? लगा खूब आगा। कहीं का लगवा मेरे पे आगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।